तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जा। इस गीत को किसने नहीं सुना होगा, देशभक्ति से लबालब। आज भी हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हर स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय में ये गीत हम सुनते हैं और इसे सुन के देश के प्रति एक भक्ति प्रेम और गर्व फील होता है। बच्चे इस गीत को स्कूल में गाने के लिए कई दिन पहले से तैयारी में जुट जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत ही सुंदर गीत है। इसे मनोज मुंतशिर ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा भी है, लेकिन सवाल यह है कि ये गीत जिस फिल्म में दिखाया गया क्या वो एक देशभक्ति फिल्म थी? जवाब है नहीं। केसरी एक देश विरोधी फिल्म थी। हाँ, ये कुछ बहादुरों की कहानी जरूर है लेकिन देशभक्ति की कहानी तो कतई नहीं है। जी हाँ, सारागढ़ी का युद्ध कोई देशभक्ति की घटना नहीं है। सारागढ़ी के लड़ाके कितने भी बहादुर रहे हों पर वो देशभक्त नहीं थे, वो ब्रिटिश सेना के वफादार जवान थे। वही ब्रिटिश सेना जो भारतीयों पर बर्बर अत्याचार करती थी, उसी ब्रिटिश राज के लिए वो उस पोस्ट की रक्षा कर रहे थे। ये लड़ाई 1897 में हुई थी, 1857 के विद्रोह के 40 साल बाद। तो 1897 में जब अंग्रेजों के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ चुके थे और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, तब सूबेदार ईश्वर सिंह और उनके 21 लड़ाके अंग्रेजों की पोस्ट की ढाल बन खड़े थे। उन्होंने अदम्य साहस दिखाया और जान गंवाई। उनकी बहादुरी प्रशंसनीय है पर तथ्य ये है कि वो देशभक्ति नहीं थी, ब्रिटिश भक्ति थी। एक एजेंडा के तहत इसे एक देशभक्ति फिल्म के तौर पर बनाया गया। प्रॉब्लम गाने से नहीं है, प्रॉब्लम गाने के नाम पर फिल्म में बेवकूफ बनाने से है। सारागढ़ी उस वक्त भले भारत का हिस्सा था जिसे बचाने के लिए इन 21 योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ऐसा वो अंग्रेजों के कहने पर कर रहे थे क्योंकि अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था और वो अपने कब्जे की जमीन को किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे। और आज सारागढ़ी की बात करें तो वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। एक फिल्म के तौर पर यह कहानी अच्छी है कि 500 के अनुपात में सारागढ़ी का एक सैनिक था लेकिन फिर भी वो अद्भुत तरीके से बहादुरी से लड़ा। ओके गुड, बट देश की मिट्टी पर कुर्बान एंड ऑल इज बुलशिट। उस कहानी का इस गीत से लेना देना ही नहीं था और हम केवल देशभक्ति के नाम पर न केवल इस गीत को खूब सुनते हैं बल्कि केसरी टाइटल वाली इस फिल्म में इस देशभक्ति गाने का यूज करके हमारा माइंड वॉश भी किया गया, क्योंकि फिल्म मेकर जानते थे कि एवरेज भारतीय भी सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में नहीं जानता होगा। इसलिए तो रामाधीर सिंह ये कह के मरे थे कि